बस करो मेरे भाई, 2023 में तो ये हेयर स्टाइलिंग और हेयर कटिंग मिस्टेक को करना बंद कर दो। देखो तो बहुत बार हम लोग ऐसे कुछ छोटी गलतियां करते हैं ना, जिस वजह से ना कि हमें प्रॉपर हेयर कट मिलता है और ना ही प्रॉपर हम लोग हेयर स्टाइल रख सकते हैं। तो इसलिए तुम्हारा भाई इस वीडियो में ऐसे कुछ तुम्हें 5 बेस्ट चीजें बताएंगे। आप इसको मिस्टेक कह लो या टिप्स कह लो, बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। साथ ही में आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर भी बातें कर सकते हो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। अब सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1। देखो एक बात हमेशा रखना, जब भी आप लोग बाल काटने जाते हो तो उसके पहले अपने बालों को वॉश जरूर से करना। अब इसके लिए आप लोग नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हो या फिर शैम्पू से भी वॉश कर सकते हो। अब देखो इसके पीछे का रीजन समझ लो। देखो बहुत बार ना हम लोग मतलब बालों में ऑयल लगाते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे हेयर प्रोडक्ट लगाते हैं, जिस वजह से बाल ज्यादा चिपचिपे या फिर मतलब प्रॉपर कट नहीं होते जब भी हम लोग बाल काटने जाते हो। इसलिए अपने बालों को वॉश करके जाओगे तो आप लोग इंस्टेंटली अपने बालों में रिजल्ट देख सकते हो, तो इस बात को आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। साथ ही मेरे बहुत सारे भाई ऐसे गलती करते हैं जो उन्हें मतलब बहुत ज्यादा छोटी लगती है, बट वो होती नहीं है। देखो जब भी हमारी हेयर कटिंग चल रही होती है तो बहुत बार जो रेजर होता है तो वो हम लोग नॉर्मली मतलब साइड के बाल को मतलब प्रॉपर शेप देने के लिए तो करते ही है। साथ में बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, वो अपने जो फोरहेड के जो फ्रंट वाले हेयर होते हैं तो उनको भी वो शेप देते हैं उस तरह से। देखो वो टेम्पररी मतलब कुछ दिनों के लिए तो अच्छा रहेगा, बट जैसे कुछ टाइम के बाद न्यू हेयर ग्रोथ होगी तो भाई वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, और साथ में इस वजह से आपका ओवरऑल लुक भी पूरा खराब हो जाता है, तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2। देखो मेरे बहुत सारे भाई सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे, वो जो भी बाल काटने जाते हैं या फिर उनको कोई हेयर स्टाइल पसंद आ जाते तो वो रैंडम मतलब किसी बंदे का फोटो सैलून वालों को दिखा देते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखो आप लोग रेफरेंस फोटो लेके जा रहे हो सही चीज है, बट उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फेस शेप कौन सा है। और वैसे मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप लोग फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ओवल या फिर राउंड फेस शेप के लिए कौन से बेस्ट हेयर स्टाइल होंगे। ट्रस्ट मी ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी फिर आपके हेयर कट को परफेक्ट बनाने के लिए। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो जब भी आप लोग बाल काटने जाते हो ना तो आपको जो बार्बर होता है तो उसको भाई बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम लोग मतलब यार किसी बंदे से बाल कटवा लेंगे फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी और से कटवाते हैं, स्विच करने की वजह से ना आपको एक प्रॉपर हेयर स्टाइल कभी आप लोग मेंटेन नहीं कर पाओगे। देखो हर किसी बार्बर का ना अपना एक स्टाइल होता है, तो अगर आप लोग एक किसी को फिक्स रखोगे तो उस वजह से ना आप लोग अपने हेयर स्टाइल को ज्यादा लॉन्ग टर्म तक मतलब मेंटेन कर पाओगे। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3, वो है गलत हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को चूज करना। देखो एक प्रॉपर हेयर स्टाइल ना आपके ओवरऑल लुक को पूरा चेंज कर सकती है, बट आज भी मेरे बहुत सारे भाइयों को ना हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे ऐसे मिथ्स है, जैसे कि मतलब हेयर फॉल होना, बाल सफेद होना वगैरह वगैरह। बट डोंट वरी, देखो एक अच्छी हेयर स्टाइल करने के लिए ना अच्छे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट को चूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक का फेस शेप और हेयर का टेक्सचर भी अलग अलग होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं मेरे फेस शेप की बात करूँ तो वो थोड़ा सा ओवल फेस शेप में आता है, और हेयर का टेक्सचर की बात करूँ तो मेरे हेयर ज्यादा ऑयली या फिर ज्यादा ड्राई भी नहीं है। और वैसे भी अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा तो मैं मतलब नॉर्मली कैजुअल हेयर स्टाइल मतलब मुझे ज्यादा पसंद है, जिसमें मैं अपने बालों के लिए ज्यादा बड़ी या फिर ज्यादा छोटी भी नहीं रखता। साथ ही मेरे बहुत सारे भाई गलती क्या करेंगे, वो गलत प्रोडक्ट को चूज कर देते, जैसे कि अगर आपके बाल ड्राई या फिर मतलब ग्रीसी है तो उस हिसाब से आपको वैक्स या फिर जेल को चूज करना चाहिए। मतलब अगर आपके बाल ज्यादा ऑयली है तो आपको जेल वैक्स को थोड़ा कम यूज करना चाहिए, तो आप उसके अल्टरनेटिव आप लोग क्ले वैक्स को यूज कर सकते हो, जो बेस्ट होता है हेयर वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। अगर आपके बाल ड्राई है तो आपके लिए बेस्ट होगा जेल वैक्स। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं पर्सनली सेटवेट का जेल वैक्स को यूज करता हूं, और वैसे भी यार सेटवेट कोई नया खिलाड़ी नहीं, मैं बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको भी ये जरूर से रिकमेंड करूंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप लोग हेयर प्रोडक्ट को चूज कर दे तो उसके पीछे एक बार आप लोग को इंग्रेडिएंट को जरूर से पढ़ना चाहिए, और तब जाके आपको प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए। मेक श्योर कि हेयर प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल जैसे कि मतलब सल्फेट हो गया, पैराबिन हो गया या फिर अल्कोहल जैसी चीजें ना हो। अब ये ना आपके बालों से जितने भी नेचुरल ऑयल होते हैं तो उनको रिमूव करते हैं, जिस वजह से आपके बाल ज्यादा वीक या डल हो जाते हैं और साथ ही में टूटने भी लगते हैं, तो ऐसे सारे केमिकल से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये सवाल भी आया होगा कि मतलब यार चलो वैक्स तो हम लोग डेली यूज कर लेंगे, बट क्या उसको रिमूव करने के लिए हमें डेली शैम्पू करना पड़ेगा, तो इसका सिंपल आंसर है आपको हमेशा वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए, जिस वजह से ये वाटर से भी इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल होगा ये सेटवेट का जेल वैक्स, जो इजीली वाटर से भी रिमूव हो जाता है। सोने से पहले जरूर से बालों को वॉश कर लेना है, अब तो इसका कोई टेंशन नहीं है। और तो और भाइयों, इस वैक्स से ना आपको स्ट्रॉन्ग ओल्ड मिलेगा जो पूरे दिन रहेगा, साथ ही में इसके अंदर अल्कोहल, पैराबिन और सल्फेट भी नहीं है। और वैसे भैया इसके पहले भी मैंने सेटवेट के बारे में आपको बताया था, पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगता है इस हेयर स्टाइलिंग सेगमेंट में, तो मैं आपको जरूर से रिकमेंड करूंगा, और मैं चाहूँ तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग जाके जरूर से चेकआउट करना। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की। देखो मेरे बहुत सारे भाई ना मतलब नॉर्मली कैजुअल हेयर स्टाइल उनको ज्यादा पसंद होती है, और ऐसे में वो मतलब साइड से फेड करना उनको ज्यादा पसंद होता है। अब देखो ये हेयर स्टाइल ना काफी ज्यादा अच्छी लगती है जब आप साइड से मतलब फेड करते हो, स्लोप देते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बट इसमें बहुत से लोग गलती क्या करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा हाई फेड करते हैं। अब देखो जो हाई फेड वाली हेयर स्टाइल होती है ना, तो बहुत ऐसे कम मेरे भाई है जिनके ऊपर ज्यादा अच्छी लगती है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा या फिर आपको अच्छा दिख रहा है तो ज्यादातर आप लोग को हाई फेड को अवॉइड करना चाहिए, तो इसके अल्टरनेटिव आप लोग मीड या फिर लो फेड को रख सकते हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और ये छोटी चीज हमेशा रखना, जब भी हाई फेड भी करोगे ना तो जो ऊपर की जो बालों की लेंथ है तो वो ज्यादा आप लोगों को बड़ी बिल्कुल भी नहीं रखनी, तो वो जितना छोटी होगी तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। और अगर आप लोग लो फेड या फिर मिड फेड करोगे तो उसमें अगर आप लोग अपने बालों की लेंथ थोड़ा बड़ा रखोगे आगे से, तो यार कोई दिक्कत नहीं,
नहीं होने वाली। साथ में जो भी आप लोग जो साइड बर्न्स होते हैं जिनको कल में बोल दे, तो उनको हम लोग बहुत बार मतलब छोटा कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। तो वो जितना छोटा करोगे या फिर उसको शेप दोगे, डिजाइन दोगे, तो वो भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखने वाला। इसका लाइव एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इस चीज के ऊपर आप लोग को हमेशा ध्यान देना चाहिए, जब भी वो मतलब साइड बर्न्स को मतलब रेजर से कम करेगा फिर शेप देगा, तो वो आगे से नहीं तो वो पीछे से होना चाहिए। तो ये जो साइड के जो हेयर होते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो इनको कभी भी आप लोग को ब्लेड से ज्यादा छोटा या फिर पतला नहीं करना चाहिए। अब ये तो वो कैजुअल की बात, बट अगर आप लोग स्कूल जाते हो या फिर मतलब ऑफिस जाते हो, तो उस टाइम पे आप लोग के साइड के जो हेयर होंगे तो वो ज्यादा छोटे या फिर पतले बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसे में साइड के भी बाल अगर आपके थोड़े से ग्रो होंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो ये काफी ज्यादा डिसेंट और क्लासी लुक देगा। साथ ही में सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो है बालों को कलर करवाना। देखो बालों को कलर कराना कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कलर मेरे ऊपर सूट होगा। अगर आप लोग रैंडम किसी को भी देख के कलर कर रहे हो, तो भाई वो छपरी दिखने वाले आप लोग, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। साथ ही में मेरे बहुत सारे भाई गलती क्या करेंगे, वो सैलून में जाके मतलब केराटिन जैसे ट्रीटमेंट हो गया या फिर हेयर को स्ट्रेट करना हो गया, जो भाई सबसे बड़ी गलती हो सकती है। देखो इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा अच्छा है तभी आप लोग इन चीजों को कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें एक बार में नहीं होती, इसको आप लोगों को हर 2 से 3 महीने बाद करवाना पड़ता है। और साथ ही में आपको ध्यान भी रखना पड़ता है, अगर आप लोग एक ही बार मतलब केराटिन जैसे ट्रीटमेंट करते हो उसके बाद अगर आप लोग प्रॉपर ध्यान नहीं देते हो, तो आपके बाल ज्यादा डैमेज होते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और जो नंबर 5 की मिस्टेक है वो है, जब भी आप लोग बाल काटते हो ना, तो उसके बाद आप लोग को तुरंत से बालों को सेट करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप लोग को जेल या फिर वैक्स का यूज नहीं करना है, बट नॉर्मली आप लोग हेयर ड्रायर से तुरंत से आप लोग को बाल सेट करने के लिए बोलना है। इससे आपको पता चल जाए कि हाँ भाई मतलब मेरे हेयर कट परफेक्टली कट हुए। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग मतलब सैलून में तो बाल काट लेते हैं, बट जैसे घर पे आके बालों को वॉश करते हैं फिर उसको सेट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई यार यहाँ से तो मतलब प्रॉपरली कट नहीं हुए, या फिर मतलब यार मुझे ऐसा चाहिए था वैसा चाहिए था। तो इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा अगर आप लोग वहां पे ही बालों को प्रॉपरली एक बार ड्रायर से सेट करते हो। इसी के साथ सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करेंगे, जैसे मतलब सैलून में बाल काट के हो जाता है तो उसके बाद भाई डी टैन करवाना या फिर कोई भी क्रीम लगवाना, तो भाई ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जैसे कि ब्लीच करवा लेते हैं बहुत सारे लोग, तो देखकर आपको पता नहीं कि मतलब उन सारे प्रोडक्ट में कौन से केमिकल जो आपके स्किन के लिए सूट हो गए भी या नहीं। अब देखो ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो वो भले आप लोग लगा लोगे आप लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट भी दिखेंगे, मतलब टेम्पररी उसका कुछ रिजल्ट होता है, तो उसके 4-5 घंटे बाद आप लोग नोटिस करोगे कि मतलब स्किन ज्यादा डैमेज भी हो जाती है, साथ ही में जैसी थी वैसी हो जाती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आप लोग को बिल्कुल भी ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना चाहिए। साथ ही में जब भी आप लोग रेजर से मतलब फेशियल हेयर को रिमूव करते हो, उसके बाद अगर आप लोग को रेडनेस जैसी प्रॉब्लम शो होती है, जैसे कि मतलब चीक या फिर नेक के साइड पर रेडनेस हो जाती है, तो जैसे आप लोग बालों को कट करोगे तो उसके बाद आप लोग का एलोवेरा जेल जरूर से लगाना चाहिए, और इसके रिजल्ट आप लोग इंस्टेंटली देख सकोगे कि आप लोग को बिल्कुल भी रेडनेस जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर से जरूर कर देना। आप लोग मेरे और भी यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।